बाबर, चलो निकलो। मोड़ पर आ चुके हैं भाई, जुल्म कितना भी बढ़ जाए उसे जल्द खत्म होना है। हम पीछे नहीं हटेंगे भाई। बिल्कुल अर्थात ये कहां जा रहे हैं भाई? तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे मुझे बताए बगैर कहीं जाते नहीं। वो السلام عليك
عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. ने खुदकुशी कर ली। अब हम क्या कहेंगे फरजान? अल अजीज को बिठाकर बात करना होगी। अब और कोई रास्ता नहीं, और अगर ना समझा तो ना समझ बच्चों की तरह डंडे से मरम्मत करना होगी मुझे उसकी, जब तक अकल ठिकाने ना आ जाए। मगर ये कैसे मुमकिन होगा? उसे महल से बाहर लाना पड़ेगा। देखो, अल अजीज तकरीब से पहले ही हलीमा को अपने निकाह में लेना चाहता है। आजकल में निकाह पढ़वाने का अल अजीज की खानदानी रस्म है कि दुल्हा शादी होने के बाद दुल्हन को अपनी शिकारगाह में ले जाता है। अल अजीज सिर्फ उसी वक्त महल से निकलेगा, उसी वक्त मैं तुम दोनों को मिलवा सकती हूँ, तुम तैयार रहना। अच्छा आप तो निकले, जल्दी करें। कौन हो तुम? मौत ने अपना नाम तितुष रख लिया है। तितुष अबू हशाम। उस में अबू हशाम हलब के महल में एक कमांडर और काई कबीले में एक ताजर। क्या हुआ, तुम्हें तो सत्ता हो गया? तुम सिर्फ एक फना होने वाले शैतान हो तितुष, छुप कर वार करने वाले पुस्तिल तीरंदाज, गीदड़ों में शेर बनने वाले भेड़िए, आम शेरों को धोखे से जेर करने वाले एक लोमड़। güçlülerin arasına sızıp aldatansın। अल्लाह के किसी शेर से पाला नहीं पड़ा असल में तुम्हारा। अब मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा तगल, जहां तुम्हें बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। Thank you.
की क्या खबर है? शंघाई उसी की खातिर तो सलेमियों के अगले में दाखिल हुआ था। नूरगुल जिंदा है क्या? उसकी माता शांत कर दे अल्लाह, बस यही दुआ है और कोई चारा नहीं। कुछ बहुत अहम बातें हैं जो आपको बतानी है, मगर क्या है? क्या पूछ रहा हूँ आदमी, मगर क्या है? खूबसूरत लड़कियां थी। तुम्हारी नवी तरह? हाँ, हमारी तरह। वो लड़कियां इतनी अकलमंद और इतनी हसीन थी कि उनके बाबा उनके लिए कहा करते थे, मेरी बेटियों के लिए रिश्ते अल्लाह ही भेजेगा। वैसे हमारे बाबा भी तो यही कहते थे ना। ये कहने वाले हमारे पापा ही थे। फिर उन दोनों में से एक लड़की को एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले गए, जहाँ पर किसी आदमजात के कदम तक कभी नहीं पहुंचे थे, और वहाँ रहने वाला एक पूरी आंखों वाला बहादुर उस लड़की पर मर मिटा, और लड़की को भी वो बहादुर पसंद आ गया। गुलदार भाई ना, और छोटी वाली को उस बहादुर का छोटा भाई। दोनों लड़कियां खुश रहने लगी। बड़ी लड़की चाहती थी कि अब वो माँ बन जाए और कबीले को वारिस बन जाए। उस बहादुर की भी यही ख्वाहिश थी, और साथ ही वो अपनी छोटी बहन का घर भी बसता हुआ देखना चाहती थी। और फिर यूं हुआ कि उसकी दोनों ख्वाहिशें पूरी हो गई। ये मत करें, बात सुन ले उसकी। अभी उस पर ताकि लास्ट तोड़ तैयार होती अगर आप इसे ना लाए। नुमान और हलीमा सुल्तान की जान बचाने से मामला शुरू हुआ। बहुत बड़ी गलती की तुमने, और इस गलती का खमियाजा कई कबीले ने नहीं, सलजुकों ने भी और अय्यूबियों ने भी बहुत सी जानें देकर भुगता है। बहुत मुसलमानों का खून बह गया अर्तगल। हलीमा सुल्तान ने मेरे भाई मांगा और सलीबियों ने उसे छोड़ दिया। हमने उनका रास्ता रोकना चाहा मगर नाकाम रहे। तुम्हारा क्या फायदा है इसमें? हम दोनों एक ही मिश्ती के सवाल हैं। क्यों आर्थिक सलीबियों का खेल बिगाड़ने के चक्कर में तुमने हमारा खेल बिगाड़ दिया। तुम्हारी ही वजह से वो अजीज हलीमा से मिला और अब वो शादी कर रहा है। नासिर का वाहिद सुल्तान अलाउद्दीन को और अय्यूबियों को लड़ाना चाहता हूँ, और तुम्हारी तो फैल वो ही हो गया। तुमने तो सिर्फ मेरा ही नहीं, सुल्तान अलाउद्दीन का भी खेल बिगाड़ दिया। यानी तुम्हारे कबीले को और सेल्जुक सल्तनत को खतरे से निकालने के लिए हमें इल्तिहाद कर लें।
इधर है वो बड़ी है तालिये की लाश। सर ये अर्थवल हलीमा की अर्जी से शादी में रुकावट डालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत होशियार रहना होगा ना सर। ईश्वर की सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा तीतुष। हमारे बेगुनाह लोगों का खून चल रहे हैं उससे कोई बात नहीं कर सकता। दरगाह जला दी गई है, कितने ही दरवेश कत्ल कर दिए गए। राह रास्त से भटक जाने वालों को मंजिल नहीं मिला करती आरती भाई, आप भी मंजिल से भटक रहे हैं। इस बदसात की सिफारिश अगर आप दोबारा लाए कभी मेरे सामने तो आपको दुश्मन समझूंगा। क्या करेंगे बोलो कारा तुझे? पीछे तो हम हटेंगे नहीं। गुलदारो फिर भी समझदार है, उससे दोबारा बात की जा सकती है। मेरे सलीबी दोस्तों, उम्मीद है आपके किले में मुझे खुशामदीद कहा जाएगा। खुदा ही जानता है कौन संदा मिलेगा हमसे और कितने दुख झेलेंगे। साहब सुलझान मेरी आखिरी उम्मीद है हाइमा। अगर ये इस बीमारी से जीत गया तो दुश्मन इसकी हैबत से थर्राएंगे और बाकी बेटे भी बहुत जल्द हमसे आ मिलेंगे। देखना हाइमा, मुझे यकीन है उन पर।
ऐसी सूरत दिखाने वाले आई ने मेरे अर्तगल की जल सूरत दिखा दे ताकि दुख की आंख सर्द हो मेरा ये हाल दिल अर्तगल तक पहुंचा दे कि महल के इस जिंदा से छुड़ा ले जाए मुझे खुदा रहा। अगर कारा थोएगर सही कह रहा हो तो कारा थोएगर की जबान बदल सकती है मगर रूह वही खबीस है। मुझे सुल्तान अलाउद्दीन वाली बात पर यकीन नहीं है। मुझे सुल्तान अलाउद्दीन वाली बात पर यकीन नहीं है मगर पहले हमें नासिर को काबू में करना जरूरी है। यही एक रास्ता है। अल अजीज काफी बड़ी फौज के साथ हमला अगर होगा हमारे कबीले पर जल्द अज जल्द हमें कोई रास्ता निकालना होगा। आया जान ने मौकफ बदल लिया है। आज मैं उनसे मिलूंगा इसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। अर्थावल हाल अब अकेले नहीं जाना चाहिए तुम्हें। रात तक मैं ना लौटूं तो आप वापस चले जाना। बाबा को तनहा ना छोड़िएगा बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। या रब तुझे तेरी शामी करीमी का वास्ता अर्तगल को कामयाब फरमा। हम दोनों को एक दूसरे का सच्चा साथ अता फरमा। तेरी रहमत के लाखों दर है या रब हमारे लिए बस एक दर खोल दे। आमीन। या अल्लाह हलीमा को हिम्मत अता फरमा से हौसला दे या रब। जब उसे यकीन हो गया कि अब उसका झूठ खुल जाएगा तो अस्मा को जिंदा चला दिया उसने। ये सोचकर कि आपको तकलीफ होगी मैं छुपा रहा था लेकिन अमीर अली कादर आया जान ने क्या बताया आपको? क्या बताएंगे वही अर्तगल के झूठ वही बहाने। कैसा धोखेबाज है आप तो आप जान ही चुके हैं। कातिल बेचारी अस्मा कितनी अजियत दी होगी और फिर जिंदा जला दिया। बहुत दुख हो रहा है मेरे आका लेकिन जुल्म के बावजूद वो हार गया। रात भर हलब की गलियां अल अजीज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही हैं। और वो दरवेश सारे उन्हें बेदर्दी से मार दिया तुमने। मेरे शहर में जुल्म हुआ दरवेशों पर तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए नासिर। मेरे आका शरीयत के कानून लागू करके वो आपको इख्तदार से हटाना चाहते थे। बकवास न करो नासिर। इन तसव्वुफ के अलमबरदारों ने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया है मेरे आका। मुझे खदशा है इस मसले का अंजाम इब्ने अरबी पर ही होगा। हर
हरगिज नहीं। अगर आइंदा तुमने इस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो बहुत बुरा हशर करूंगा तुम्हारा। अच्छी तरह समझ लो नासिर। जा सकते हो तुम। तुम्हारे भाई को हलीमा से इश्क हो गया है। भाई की कैद जैसी साजिशें हो रही हैं, गद्दारियों के जो जाल बने जा रहे हैं उनसे इश्क ही बचा सकता है। हलीमा भी तो मोहब्बत करे तभी मुमकिन है। उसे मोहब्बत करना होगी। अल्लाह पर छोड़ देते हैं लजीज की खुशी, बस वो हलीमा के साथ खुश रहे अल्लाह करे। यानी वो खाना बदोश मेरा हुक्म मानने पे आमादा नहीं। बस उन्हें मजीद मोहलत नहीं दी जा सकती कमांडर गुलखान। मैं अपनी सल्तनत में किसी सरकश का वजूद नहीं बर्दाश्त कर सकता। जाओ, जो कहा है वो करो। सुबह का सवेरा जब मेरी ख्वाबगाह में उतरता है, अपने खालिक व मालिक का शुक्र जब वाजिब हो जाता है, तो सबसे पहले ये शुक्र करता हूं कि मुझ जैसे हकीर बंदे को आप जैसी दौलत बख्शी उसने। करोड़ों शुक्र। खुशामदीद हलीमा सुल्तान। सुबह सवेरे आपका दीदार ये कह रहा है कि दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आपने पूछा था ना शादी पर क्या तोहफा चाहिए मुझे। हुक्म करें, दुनिया को आपके कदमों में बिछा दूं। हलीमा सुल्तान, बस एक हुक्म, हलब का सुल्तान खुद आपके कदमों में बिछ जाएगा। काई कबीले वालों को माफ फरमा दे मेरा लिखा। आप आपको कभी दिल से कबूल नहीं करेंगे। उन्हें किसी और से इश्क है, अर्तगल भाई से। ऐसा अजीब तोहफा क्यों मांगा आपने? हम पर उनके एहसानात हैं। उन्हें कोई तकलीफ पहुंचेगी तो मुझे भी दुख होगा। फिर इस सर्दी में उनका कूच करना मुमकिन नहीं होगा। कम से कम उन्हें बाहर तक यहीं रुकने दें। बेहतर, जैसे आपकी खुशी हलीमा सुल्तान। आपका दिल दुखाने का तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता मैं। वैसे भी मुसलमानों का खून नहीं बहाना चाहता, और मासूम बच्चों का, औरतों का खून बहाने से तो बेहतर है हलब की गलियां और बाजार लाशों से पट जाए और खून के दरिया बह जाए। यहां उन लोगों से बहुत अच्छा सलूक करूंगा, बेफिक्र हो जाए। मैं आपकी बेहद माननीय हूं। कल निकाह के बाद आपको शिकार सराय ले जाऊंगा। यह हमारी खानदानी रिवायत है। शादी के बाद कुछ रोज दुल्हा और दुल्हन शाही शिकार सराय में ही कायम करते हैं। खलवत का अच्छा वक्त भी मिल जाएगा और एक दूसरे को अच्छे तौर पर जान भी लेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए आप। हलीमा सुल्तान, आपने जवाब नहीं दिया। आप इजाजत के पाबंद नहीं हैं मीरा अली कदर। कहां खो गए दरविश? नो दरविश, ये थोड़ी थोड़ी देर में कहां गुम हो जाते हो? कहां की सियाहत करते फिर रहे? कौन है जिसके ख्यालों में खो जाते? अस्तग़फ़िरुल्लाह पीरो मुर्शिद, मैं तो बस एक कम अकल और ख्याल नाशना दरवेश हूँ, लेकिन मुसलमानों का दर्द मुझे बेचैन किए रहता है। आलम इस्लाम के अहवाल पर गौर करता हूँ तो हर जानिब दुश्मन ही नजर आते हैं, और यही क्या कम था कि आपस में भी दस्तों गिरेबां हैं मुसलमान। भाई भाई के खून का प्यासा है, गद्दारियां हो रही हैं बराबर। इस फानी दुनिया के खातिर अपने भाई को जालिम के आगे डाल देता है, ये सब बहुत तकलीफ देह है पीरो मुर्शिद। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोचता हूँ तो अपने हाल पर शर्म आ जाती है।
हजरत आदम से लेकर आज तक दुनिया में यही होता आया है फर्जंद, नाउम्मीदी का कोई सबक नहीं, फिर भी ताहिर सौराना के दावे ने काबिल से हाबिल का कत्ल करवाया। भाई के हाथों भाई का खून बहना शुरू हो गया। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हैं, जितने भी झगड़े, उनका सबब कोई कुछ भी बताए मगर कातिल बहराने काबिल है। भाई को कत्ल करने वाला हर इंसान बेशक लायक लानत है, मगर दूसरी तरफ जो भाई कत्ल होता है वो यकीनन अल्लाह का दोस्त कहलाएगा। तो जो शख्स भी काबिल के बजाय हाबील बनेगा वो बेशक अल्लाह को अजीज होगा। ये लो नासिर, ये लो नासिर। अच्छी खबर के मुंतजर रहे, मुझे इजाजत। ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? अपने ही बुजुर्गों की कायम करदा सल्तनत को आग में झोंक रहे हैं। हलीमा, मैं वही कर रहा हूं जो बेहतर समझा मैंने। मत कहे मुझे अपनी बेटी बाबा, इस छोटे से बच्चे को समझ आ गया कि आप साजिश के किस जाल में फंस रहे हैं। और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, साजिश साजिश, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये कहते हुए कि मैं साजिश में मुलव्वस हूं सुल्तान के खिलाफ? ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम अनजान हो बिल्कुल कि इतने सालों से किस किस तरह सल्तनत से वफा की जंग लड़ता रहा, जब बीर को और मुझे जान से मारने के लिए कितने हमले हुए हैं मुझ पर, तुम जैसे जानती नहीं। और अब तुम हर शय भुलाकर किस बेशर्मी के साथ मुझसे जवाब तलब कर रही हो? आज मेरा समझ आ गया रीमा। और सुन लो, तुम दोनों के मारे जाने के खौफ से अब उकता चुका हूं मैं। या तो अपना हक छीन लूंगा बढ़कर, या इस कोशिश में इज्जत की मौत मारा जाऊंगा। यूं बुजदिलों की तरह भागने के बजाय तख्त का अपना हक छीन कर रहूंगा मैं। जब आप दुश्मनों को मौत देते, चालबाज हुक्मरानों से फरार की राह निकालते, तो मैं आपको सर उठाकर देखती थी बाबा, किस तरह हमें और सल्तनत को बचाने की खातिर सीनाए सुपर हो जाते थे आप। लेकिन अब बिल्कुल एक खौफजदा कबूतर नजर आ रहे हैं आप। जिन इकतदार परस्तों के आगे आपने खुद को डाला है, वो इकतदार मिलते ही आपके टुकड़े करके फेंक देंगे। और यहां मेरे सामने शेर बने धाड़े मार रहे हैं आप।